समस्तीपुर में वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक गणनाथ झा ने गत शुक्रवार को राजभाषा पखवाड़ा का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया एवं अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। तदुपरांत अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्री प्रकाश ने माननीय रेल मंत्री द्वारा जारी हिंदी दिवस संदेश एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी विवेक कुमार ने महाप्रबंधक द्वारा जारी हिंदी को पढ़कर सभी उपस्थित सदस्यों को सुनाया। कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री झा ने सभी रेल कर्मियों से हिंदी के विकास व प्रसार का कार्य निष्ठा से करने का आह्वान किया। उन्होंने समस्तीपुर मंडल में राजभाषा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में सभी को योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं राजभाषा भी है। सरकार कामकाज में पहले की अपेक्षा हिंदी प्रयोग में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने कहा कि हिंदी दीर्घकाल से ही अखंड भारत के जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है तथा अपनी भाषिक समृद्धि सरलता एवं सांस्कृतिक एकता के कारण भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लोकप्रिय है। यह भारत की विविधता में एकता और प्रगति के संकल्प की भाषा है। उन्होंने सभी से अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए आग्रह किया। इसके साथ ही वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें जून 2024 तिमाही के दौरान मंडल में राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई। राजभाषा अधिकारी सह सहायक कार्मिक अधिकारी वन ने राजभाषा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं, कार्यशाला, प्रदर्शनी तथा अंतर्विभागीय राजभाषा प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से सभी को बताया एवं सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए सभी से योगदान देने के लिए अनुरोध किया। इस अवसर पर मंडल के सभी विभाग के अधिकारियों एवं स्टेशनों से आए सदस्यों ने अपने विभाग एवं स्टेशन पर हो रहे हिंदी में कार्य के संबंध में अध्यक्ष को अवगत कराया। राजभाषा अधिकारी सह सहायक कार्मिक अधिकारी वन द्वारा बैठक का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन किया गया।